इसकी वीडियो में धमासान टक्कर होने वाली है, द ट्राइबल चीफ रोमन रेस और द राइजिंग स्टार को जिताना है। और इस दोस्तों बात करें रोमन रेस की, जिनका रियल नेम लिटी जोसेफ अनॉय है, इनकी एज 36 ईयर। अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हो तो आपको पता ही होगा कि रोमन रेस उनके करियर के शुरुआती दौर में अमेरिकन फुटबॉल में डिफेंस लाइन प्लेयर रह चुके हैं, जिसमें ताकत और टेक्निक दोनों का इस्तेमाल होता है। और अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर बहुत स्ट्रांग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गोल्डबर्ग। रोमन रेस का स्पीयर फुटबॉल टैकल से इंस्पायर है। जब रोमन रेस फुटबॉल खेलते थे उस टाइम रोमन रेस का वेट 130 किलो था, लेकिन रेसलिंग में आने के बाद रोमन रेस ने उनका वेट लॉस करके 120 किलो कर लिया। टाइगर श्रॉफ रोमन रेस के सामने कमजोर अपन, इसकी पूरी समोवा फैमिली रेसलिंग के लिए जानी जाती है। रोमन रेस के फादर सीका जो कि प्रोफेशनल रेसलर रह चुके हैं, और योकोजोना, रिकेशी, उमेगा, द टोंगा किड, द उसो एंड द रॉक रोमन रेस के कजन्स है, यानी रोमन के जीतेगा। अब रोमन रेस की हाइट 6 फुट और 3 इंचेस है, और उनका वेट जैसे मैंने वीडियो में पहले ही कहा कि रोमन रेस का वेट 120 किलो है, और रोमन रेस के बाइसेप का साइज 20 इंचेस है। यानी रोमन रेस श्रॉफ को रेमी स्टेरियो कंसीडर कर ले तो रोमन रेस टाइगर का क्या हाल करेंगे, ये हमने हर रोमन रेस को डिस्ट्रॉय कर, क्योंकि स्टार्ट में ही कहा कि वेट रियल फाइट में बहुत ज्यादा काम आता है। अब अकॉर्डिंग टू कैलिफोर्निया स्टेट पुलिस, एक ज्यादा वजन वाला बंदा एक कम वजन वाले बंदे को बहुत आसानी से हरा सकता है। और अगर आप UFC देखते हो तो आपको पता ही होगा कि UFC में वेट के डिविजन्स होते हैं, क्योंकि अगर किसी हैवी वेट फाइटर को लाइट वेट फाइटर से लड़वाया जाए तो जीत हैवी वेट फाइटर की होगी। अब करके रोमन रेस के वेट वाले फैक्टर को ओवर यही तक थी। अगर ये वीडियो या इस चैनल की दूसरी वीडियो मास्टर ऑफ द ऑल मास्टर ब्रॉन स्टॉमैन वर्सेस इंडियन लायन वीर महान, अगर ब्रॉन स्टॉमैन और वीर महान के बीच फाइट हुआ दोनों में कौन जीतेगा? दोस्तों 18 जनवरी को WWE इंडिया में शो करवाने वाली है, अगर उस शो में वीर महान के साथ ब्रॉन स्टॉमैन भिड़ जाए तो दोनों में कौन जीतेगा? दोस्तों मास्टर ऑफ द मैन ब्रॉन स्टॉमैन WWE के मेन रोस्टर में 2014 से नजर आ रहे हैं, और उस दौरान उन्होंने कई सारे बड़े बड़े रेसलरों को हराकर टाइटल और चैंपियनशिप को अपने नाम किया है। वहीं दूसरी तरफ वीर महान WWE के मेन रोस्टर में कुछ ही टाइम से नजर आ रहे हैं, यानी इस कंपेरिजन से पता चलता है कि मास्टर ऑफ द मैन ब्रॉन स्टॉमैन वीर महान से काफी टैलेंटेड रेसलर हैं। लेकिन बात जब आती है इन दोनों रेसलरों की फिजिक्स की तो दोनों की फिजिक्स काफी टक्कर की है। दोस्तों ब्रॉन स्टॉमैन 6 फीट 8 इंच के हैं और उनका वजन 175 kg है, और वहीं वीर महान 6 फीट 4 इंच के हैं और उनका वजन 130 kg है। दोस्तों ब्रॉन स्टॉमैन का चेस्ट का साइज 62 इंचेस जबकि बाइसेप का साइज 24 इंचेस है, जबकि वीर महान का चेस्ट का साइज 50 इंच और बाइसेप का साइज 20 इंचेस है। यानी इस कंपेरिजन से पता चलता है कि वीर महान का बॉडी मेजरमेंट ब्रॉन स्टॉमैन से काफी कम है। दोस्तों अगर बात करें इन दोनों रेसलरों की फुर्ती की तो आप सबको पता है कि ब्रॉन स्टॉमैन रेसलरों को रिंग में धोड़ा धोड़ा कर मारते थे, वो रिंग में काफी फुर्तीले नजर आते थे इतने भारी भरकम होने के बावजूद भी। दूसरी तरफ वीर महान भी काफी फुर्तीले ही नजर आते हैं, क्योंकि वो रिंग में काफी हाई फ्लाई मूव करते हैं और वो भी रेसलरों को ब्रॉन स्टॉमैन की तरह भगा भगा पीटते हैं, यानी दोनों रेसलर काफी फुर्तीले हैं। और बात किया जाए इन दोनों रेसलरों की रेसलिंग मूव की तो रेसलिंग मूव प्रोफेशनल रेसलिंग में काफी ज्यादा मायने रखता है कि किस रेसलर का कितना इम्पैक्टफुल रेसलिंग मूव है। दोस्तों ब्रॉन स्टॉमैन के पास बिग बूट, व्हील थ्रो, कॉर्नर स्प्लैश, चोक स्लैम और रनिंग पाउंड स्लैम जैसे बड़े मूव थे। दोस्तों दूसरी तरफ वीर महान के पास भी ब्रॉन स्टॉमैन वाली कुछ कुछ मूव्स हैं, जैसे बिग बूट, व्हील थ्रो, कॉर्नर स्प्लैश, ये सब ब्रॉन स्टॉमैन के अब मूव है जो करंट टाइम में आज वीर महान यूज करते हैं। उसके अलावा मिलियन डॉलर आर्म, सेमिकल क्लच जैसे बड़े मूव है। दोस्तों अगर बात किया जाए एक रिंग में मास्टर ऑफ द मैन ब्रॉन स्टॉमैन और इंडियन लायन वीर महान एक साथ हो तो दोनों के बीच फाइट हो तो दोनों में कौन जीतेगा? दोस्तों दोनों रेसलर काफी एग्रेसिव नेचर के हैं। दोस्तों देखा जाए तो सबसे पहले ब्रॉन स्टॉमैन पर वीर महान अटैक करेंगे और उनको गिराने की कोशिश करेंगे। ब्रॉन स्टॉमैन को गिराने के लिए मिलियन डॉलर आर्म, जंपिंग बॉडी स्लैम देकर उनको गिराने की कोशिश करेंगे, और गिरने के बाद ब्रॉन स्टॉमैन को बैक ब्रेकर और शमिका क्लच से फंसाकर टैप आउट करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप सबको पता है कि ब्रॉन स्टॉमैन आसानी से हार नहीं मानते थे। आज जितना WWE में वीर महान डोमिनेटिंग नजर आते हैं उससे कई ज्यादा ब्रॉन स्टॉमैन अपने टाइम में डोमिनेटिंग थे। वो किसी भी रेसलर को आसानी से हराने का दम रखते थे, और वीर महान जो भी मूव उन पर परफॉर्म करेंगे उनको कहीं ना कहीं ब्रॉन स्टॉमैन को पहले से ही पता होगा, क्योंकि ब्रॉन स्टॉमैन का भी मूव वीर महान की तरह कुछ सिमिलर था,
इस चलते उनके मूव को काउंटर करके ब्रॉन स्ट्रोमैन इनको रनिंग पावर स्लैम देंगे और लगातार 2-3 रनिंग पावर स्लैम देने के बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन वीर महान को इजली हरा सकते थे। ये तो मेरी राय थी, आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं।